भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद बुधवार शाम को एक बड़े हादसे के शिकार हो गए। दरअसल सहारनपुर के देवबंद पहुंचे चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर अज्ञात लोगों ने फायरिंग कर दी और इस हमले में वो घायल हो गए। आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल चंद्रशेखर अपनी फॉर्च्यूनर कार से देवबंद दौरे पर पहुंचे थे, तभी अचानक उनकी गाड़ी पर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग कर दी और गोली उन्हें छू कर निकल गई, जिससे वो घायल हो गए। उनकी कार पर भी गोलियों के निशान साफ देखे जा सकते हैं। बताया गया कि हमलावर हरियाणा नंबर की कार से आए थे और चंद्रशेखर आजाद पर फायरिंग कर दी। चंद्रशेखर को गोली के छर्रे लगे हैं, उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। फायरिंग में उनकी कार के शीशे भी टूट गए। फिलहाल पुलिस ने नाकेबंदी कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है, साथ ही आसपास के इलाकों में सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए जा रहे हैं ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके। इस हमले के बाद चंद्रशेखर आजाद को देवबंद अस्पताल भर्ती कराया गया। इस पूरे मामले पर एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा, चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर कार में बैठे लोगों ने फायरिंग की, एक गोली उन्हें छूकर निकली, वो ठीक है और ट्रीटमेंट के लिए सीएचसी ले जाए गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। न्यूज़ तक ब्यूरो।